तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव, और आज का हूँ आपके लिए एक जानकारी और एक रिजल्ट लेकर। तो देखिए दोस्तों, आपका जो कि आज 6 जून 2024 है, तो देखिए उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञप्ति वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के रिक्त पदों की दिनांक 12 जून 2022 को प्रातः 10 से 11 बजे की आपकी परीक्षा हुई थी। बाकी आपकी लिखित परीक्षा हुई थी। बाकी 15, 12, 5 दिसंबर 2023 द्वारा वाहन चालक परीक्षा हेतु जारी औपनिवेशिक शिक्षा सूची में अभ्यर्थियों का 18 दिसंबर 2023 से 27 जनवरी 2024 तक IDTR जो आपकी झाझरा देहरादून में वाहन चालन जो कि परीक्षा होती है वाहन चालक की लिखित परीक्षा एवं वाहन चालक परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 12 मार्च 2024 के द्वारा जो कि चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की। आपका दिनांक से 23 से 26 अप्रैल 2024 तक आपका आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन किया जाएगा, अथवा अभिलेख के उपरांत विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के श्रेष्ठम आहार अभ्यर्थियों की जो कि औपनिवेशिक शिक्षा सूची आयोग की वेबसाइट पर जो कि जारी कर दी। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आपका याचिकाकरण आपका सुरक्षित रखा गया है परीक्षा परिणाम। तो देखिए आपका, आप लोगों को आपसे हार्दिक शुभकामना। देखिए दोस्तों, आपका अनुप जो कि अनुप 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 कोठारी जो कि इसमें आपके प्रथम रेंज जयदेव कोठारी जो कि पुरुष हैं, बाकी आप लोगों को यह हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने अनुप कोठारी जी, बाकी सभी लोगों का जिनका जो कि टोटल आपकी बात की जाए तो 171 लोग जो कि वाहन चालक बन चुके हैं उत्तराखंड में, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब जिन लोगों का नहीं हो पाया है उनको भी मैं यही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आने वाले समय में आपका वाहन चालक, पुलिस कॉन्स्टेबल जो कि कई एग्जाम होते हैं उत्तराखंड में, आपका रोल नंबर भी इस जो कि इस PDF में आएगा। आप मेहनत कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, अच्छी जगह से पढ़िए, और आप अपने पढ़ाई को ईमानदारी से अपना काम कीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन नहीं होता, होता है दोस्तों सिलेक्शन, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है, किताबों को टाइम देना पड़ता है, सिलेबस को टाइम देना पड़ता है, बाकी आपको खुद कुछ कॉन्सेप्ट भी आपने खुद बनाने पड़ते हैं। बाकी दोस्तों उत्तराखंड में जो कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन उसके लिए है जिसने कुछ तैयारी नहीं की। अगर आप तैयारी में हो तो आपके लिए इधर कोई कंपटीशन नहीं, आप उत्तराखंड में ग्रुप सी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बाकी आपको जैसे PCS के लिए आपको 1-1.5 साल तैयारी, बाकी ग्रुप सी का एग्ज़ाम आपका 6 से 7 महीने में लग जाए। अगर आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो 6 से 7 महीने में निकल जाता है। अगर आप अलग अलग कंटेंट पढ़ते हो तो उसका ये होता है। बाकी दोस्तों ये थी छोटी जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।